छतरी वाला इंतहा यक इंसान है, इधर इसने सीढ़ी लगाई हुई है और इधर से रास्ता बंद किया हुआ है ताकि झाड़ियाँ लगा के कांटे वाली। पैसे हमने पहले ही उधर पीछे जमा करवा दिए थे, तो बटवा शटवा मोबाइल वगैरह। तो अभी जो है वो यहाँ से आना पड़ रहा है। देखें सही कमाइयाँ हो रही हैं। आबशार के नज़ारे, सीढ़ी के सारे टिकट 20 रुपये। वहाँ से वो सीढ़ी हटा ले तो उतरने का वाजा साहब ने 20 रुपये बचा लिए। 20 20 20 60 60 रुपये यार। यही है ये मोबाइल डाला हुआ और है उसमें ये GoPro की क्या बैटरी है। हो गया जी, चले तेरी खैर हो जाए। हैं चुप जा रहा है, वो पीछे से रास्ता पूछ रहा था। नूरी आबशार पवन साहब को लाजमी देखना चाहिए, लेकिन ये कि स्टेमिना स्टेमिना बना के आए, वीडियो बन रही है, स्टेमिना बना के आए। फुटवेयर आपको अच्छा होना चाहिए, ट्रैक्शन कंट्रोल आपको जो है ना वर्किंग होना चाहिए। रश रश के बारे में क्या कहेंगे? रश फिर सबल सब के पास सबल शनाख्ती कार्ड है तो फिर आगे आप समझदार हैं। चलो जगह यार, जगह 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 अल्लाह खैर से सबको लेके जाए यार। खैर से हम जैसे आए सारे पैसे सारे पैसे वापिस आए खैर से उस्ताद जी,
वरना हम इस काबिल कहाँ थे भाई जी, ये ऑक्सीजन का पैसा यार, चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, भाई इस ऊपर वाली मंजिल आ जाओ, तू आप इधर बैठ जा और ये पानी शानी बीमा खुरम भाई को लेके आता हूँ, जानने का बिजी है तो क्या होगा एक तरह लिया नीचे से दीजिए, वो तो गंदी है ये थोड़ी है। पार्किंग फुल थी, अभी लोग निकल रहे हैं वापस। तो अम्ब्रेला वाटरफॉल से हम वापस निकल आए हैं और अब हम जो है वो कालाबाग वाले रास्ते से नथिया गली से मरी से होते हुए पिंडी वापस जाएंगे। तो ये नया पैच है जिसमें मैं फर्स्ट टाइम राइड कर रहा हूँ। सिंगल ट्रैक है तो सामने से आने वाली ट्रैफिक का मुझे बार बार जो है वो ख्याल रखना पड़ता है, बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट्स आ जाते हैं इसमें। तो वैसे तो बिलाशुबा बहुत ही अच्छी जगह थी ये अम्ब्रेला वाटरफॉल, मगर मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों ने रश को अवॉइड करना है तो सैटरडे और संडे को ना आए, बहुत ही ख़तरनाक रास्ता लगता है मुझे यार ये। सो वी आर ड्राइविंग स्लोली, देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है। मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं ख्वाजा साहब और उनके पीछे इमरान लोधी, आगे जा रहा शहरी। इमरान लोधी थक गया तो अपनी बट वगैरह रेस्ट दे रहा है उधर। थकावट तो खैर मुझे भी बहुत ज़्यादा हो गई है, इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। सिंगल रोड है तो आने वाली ट्रैफिक का ख्याल रखना है हमें भी। अब यहाँ पे भी ये पहाड़ बिल्कुल सारे बंजर से पड़े हैं। कहीं कहीं पे आबादी है और यहाँ के लोकल्स खुबानी कहीं से तोड़ के जो है वो सड़क पे बेच रहे होते हैं। जैसे जैसे हम कालाबाग के करीब पहुँच रहे हैं वैसे वैसे लैंडस्केप भी चेंज होता जा रहा है। यहाँ की लोकल आबादी इन सुजुकियों को ही एज़ अ ट्रांसपोर्ट यूज़ करती है। तो ठीक है जी, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह।